वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं बड़े दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं होता। सो आज फाइनली कहीं घूमने का प्लान बन रहा है जाने के लिए। अभी कर रहे हैं पैकिंग, अब जब तक निकलेंगे नहीं तो तब तक फाइनल नहीं होगा कि कहाँ लेके जा रहे हैं। सो अभी मैं कर लेती हूँ जाने के लिए पैकिंग। अभी हमारा खाना शाना हो गया, अभी बज रहे हैं दोपहर का 1 बज रहा है। अभी लंच बनाएंगे, लंच करके फिर निकलेंगे। तो अभी करते हैं थोड़ी पैकिंग। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। सो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। मैंने कपड़े डाल लिए हैं सर्दियों के, सर्दी वाले भी डाले और गर्मियों वाले भी, टी शर्ट्स वगैरह भी डाली क्योंकि थोड़ा मौसम अभी पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, अभी पता नहीं है पक्का। सो देखते हैं, अभी हम पैकिंग शैकिंग कर ली है, थोड़ा सामान और डालना है, कुछ भूल ना जाऊँ। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो अभी हमारी पैकिंग हो गई है थोड़ी बहुत और अभी बना लेते हैं लंच, और लंच में आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी। सो अभी चलते हैं किचन में, सब्जी वगैरह काटते हैं और बनाते हैं, फिर जो बची कुची पैकिंग है खाने के बाद करेंगे थोड़ी। चलो हे एवरीवन, सो आज हम लोग सुबह निकल रहे हैं, क्यों कल हम लोग गए नहीं, कल कैंसिल हो गया जाना क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। फिर सोचा कि कल सुबह ही चलेंगे क्योंकि आज सुबह जाएंगे तो थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। अगर जो कल जाते तो हम शाम को जाते, रात को पहुंचना था हमने तो फिर घूमना भी नहीं होना था। तो अभी हम निकले हैं सुबह 7 बजे, हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट चाय वगैरह की, फिर अभी हम लोग निकल गए। अभी 8 बज गए हैं तो अभी हमने टोल टैक्स क्रॉस कर लिया ये बड़ी ब्रह्मा सरोवर वाला, और अभी इनके फ्रेंड को हमें पिकअप करना है यहाँ से सांबा से। तो अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर उनको वहाँ से लेंगे, फिर आगे चलेंगे। और हम जा कहाँ रहे हैं ये एक सरप्राइज है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मुझे भी नहीं बताया है कि हम जा कहाँ रहे हैं। सो आपको बताते जाएंगे रास्ते में, आप रास्ते का व्यू बताते जाएंगे आपको। तो मिलते हैं आपको हम थोड़ी देर में। अभी हम लोग आ गए हैं टोल टैक्स पे, और ये टोल टैक्स यहाँ पे पता कितना इसका वो चला था, हड़ताल की बंद करो इसको, तो अभी तक चल रहा है, अभी तक नहीं बंद हुआ ये, पता है नागू का है। हाँ नागू का, ये बड़ा इसकी हड़ताल लेगी, इतनी भूख हड़ताल में बैठे हुए थे पर फिर भी चला दिया। रोड खराब है क्योंकि रोड का लेते है ना, तो रोड ही खराब है तो टोल टैक्स क्या करना। यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आ रहा है, सीधा सामने सन की रेज पड़ रही है आंखों में। और ये है यहाँ का, ये 17 माइल पहले बड़ा चला था पता है, अब यहाँ पे ये बंद करा दी है, सील करवा दिया गवर्नमेंट ने, इन्होंने लोन नहीं दिया, ये पता है एंट्री नहीं देते थे ऐसे। तो ये जो पीछे था ना वहाँ पे भी हुई थी, ये जो है पीछे वाला। हेलो, पर अभी हम लोग अभी हम लोग आ गए हैं लखनपुर में। फिर हमने खाए लखनपुर के पल्ले और हम लोग निकल गए वहाँ से, और हमने कर लिया अभी पंजाब में एंटर। कैसा टेस्ट है, बेकार है? और फाइनली अभी हम आ गए हैं अमृतसर, अमृतसर। और यहाँ पे अभी एक गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में और फिर यहाँ से चलेंगे हम आगे पैदल। और फिर हम लोगों ने अमृतसर गोल्डन टेम्पल के अंदर एंटर किया, और यहाँ पे पाँव धोने के लिए पानी आता है और यहाँ पे पाँव धो के फिर हम लोग गए अंदर। और ये था गोल्डन टेम्पल,
और ये इसका सरोवर है, और सरोवर में ये पानी फिल्टर हो के आता है। और ये बनाया है गोल्डन टेंपल बनाया है 10th सिख गुरु थे जो, उनके जो चौथे गुरु थे रामदास साहेब, उन्होंने 15वीं सदी में इसको बनाया था गुरुद्वारे को और सरोवर को। तब से ये सरोवर में फिल्टर लगे हैं और यहाँ पे लोग नहाते भी हैं साइड साइड पे, और इसका जल घर लेके भी जाते हैं। और यहाँ पे दिन रात लंगर चलता रहता है, लोग सेवा करते हैं, चप्पलें उठा के दूसरों की रखना, वहाँ पे फ्री सेवा, खाना मिलता है फ्री, पानी पिलाना लोगों को। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई है, लोग साथ साथ में सफाई चलती रहती है, और अच्छा, और यहाँ पे सत्संग भी चलता रहता है। और इस गोल्डन टेंपल को बनाने के लिए 1500 किलो शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे कड़ा प्रसाद मिलता है, इतना टेस्टी, शुद्ध देसी घी में बना होता है। और फिर हमने प्रसाद खाया, और ये था गोल्डन टेंपल का पूरा व्यू। हमने इसका एक राउंड लगाया, और यहाँ पे इतना रश होता है, बंदा लाइन में लगा रहता है, इतना रश होता है। तो हमने थोड़ा राउंड लगाया और हम लोग आ गए माथा टेक के बाहर से, क्योंकि ज़्यादा रश था। नमक मंडी में जाते हुए हम हमने गोल्डन टेंपल देख के आ गए। अभी हमारे साथ चमक वाला भी जा रहा है लून मंडी। हम लून मंडी दिखाएंगे, नमक की मंडी। लून मंडी की मैं इसका नाम लून। और फिर हम लोग आ गए अपने दोस्त की मौसी के घर पे, और उन्होंने हमें अमृतसर के कुलचे खिलाए। हमारे यहाँ पे नान होते हैं, पर वहाँ पे कुलचे होते हैं, और हमें बड़े टेस्टी लगे। और इसके साथ हमने छोले, चटनी और कोल्ड ड्रिंक पी साथ में। और फिर और हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, उनके पास दो कुत्ते थे, एक जर्मन शेफर्ड था, एक ब्लैक सा कोई और था, और उन्होंने बिल्ली भी रखी हुई थी। और जो कुत्ता था वो बिल्ली और कुत्ता दोनों साथ में बैठे हुए थे, नहीं तो कुत्ता और बिल्ली ही बनती है, साथ में बैठते ही नहीं है, लड़ते वो देख के वो होते हैं। और ये था जर्मन शेफर्ड, इनका मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है, मैं यहाँ से भाग रही थी। और फिर हम अपनी पेट पूजा करके निकल गए आगे अटारी बॉर्डर के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और ये देखो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का झंडा दिख रहा है। हमारा झंडा ऊंचा और उनका थोड़ा नीचे वाला, ये हमारा दिख रहा है और पीछे उनका है। और फिर यहाँ से हम गए अंदर, और हमने गाड़ी लगाई पार्किंग में, और हम वहाँ पे खड़े थे। ऐसे अचानक से वो आया बंदा, तो उसने खुद ही हमारे फेस पे वो झंडा लगा दिया। हमने बोला कि नहीं, हमें नहीं लगवाना, अगर हमें लगवाना है तो हमें एक फेस पे लगाना। दोनों पे थोप गया और हमसे 80-80 रुपए लेके गया। और ये देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा था, झंडा पाकिस्तान और इंडिया का झंडा दिख रहा था, साथ में सनसेट का टाइम था इस टाइम। और यहाँ पे इस टाइम होती है परेड, और हम परेड देखने आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैंने इनके साथ एक वीडियो बनाई और फ़ोटोशूट किया, और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। पहले हम गए नीचे, वहाँ से हमें थोड़ा अच्छा नहीं दिखा, फिर हम लोग गए ऊपर वाली सीढ़ी पे, फिर हमने वहाँ से शूट लिया। और यहाँ पे जो नीचे डांस कर रहे हैं उनको अलग से टिकट करवानी पड़ती है, और जो सामने आगे बैठते हैं उनको VIP टिकट पहले करवानी पड़ती है एक दो दिन, पर हमने नहीं करवाया था, तो हम लोग ऐसे ही पीछे बैठे हुए थे, पर ऊपर थे वहाँ से। और ये देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और नीचे डांस।
कर रहा था कि मैं भी नीचे के डांस करूँ, पर नहीं जा सकते थे, उन्होंने एंट्री नहीं दी हमें डांस के लिए। फिर हम लोग आ गए ऊपर। Slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama.
Mr. Whip Quick Clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till it stops out. Can't fuck with me, so going for drugs. My head will fly and the rest will die. और
और फिर परेड ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए नीचे और यहाँ पे हमने करवाया फ़ोटोशूट। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और हमें लगी थी भूख। हमने खाए फ्राइड राइस और उसके साथ हमने खाए मोमोज। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से जलंधर के लिए और यहाँ वहाँ पे लिया हमने होटल। सो ये ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।